नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ यूएसबी सी हब, जो है आपका 5-in-1। ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आरोपोना और यूएसबी टाइप सी से ये कन्वर्ट करता है टीएफ कार्ड, एसडी कार्ड रीडर और USB 3। ये मैंने मंगवाया है amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 999 rupees। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट करते हैं। काफी छोटा प्रोडक्ट है, ये हाथ में आ जाता है और हल्का भी है। यहाँ पे देखिए 3 USB 3.0 पोर्ट दिया गया है, साथ में एक SD कार्ड रीडर दिया गया है और आपका माइक्रो SD कार्ड पोर्ट भी दिया गया है। साइज इसका काफी छोटा है, मैं इसका साथ आपका साइज कंपेयर कर रहा हूँ, एक लाइटर से थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं स्केल से इसको मेजर करेंगे, ये 3.5 इंच का है और इस तरह आपका 1.1 इंच है। इसमें बताया गया है मैं अगर इसमें हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ तो हार्ड डिस्क 2 TB तक ये सपोर्ट करता है। चलिए इसमें हार्ड डिस्क, SD कार्ड, पेन ड्राइव और आपका माइक्रो SD कार्ड लगा के टेस्ट करते हैं। चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ये मेरा 2 TB का हार्ड ड्राइव है जो इसमें मैं कनेक्ट करूँगा, मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ जो 32 GB का है, USB 3.0 है। उसके बाद मैं एक SD कार्ड इसमें डालूंगा जो 128 GB का है। उसके बाद मैं एक माइक्रो SD कार्ड डालूंगा जो है आपका 128 GB। अभी एक पोर्ट खाली रह गया, मैं इसमें और एक 2 TB का हार्ड डिस्क इंसर्ट कर देता हूँ, लेकिन कंपनी ने बताया कि इसमें अप टू 2 TB ही सपोर्ट करेगा। ये मेरा USB टाइप सी पोर्ट, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो मेरा 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट कवर हो जाता है। तो ये इसमें अगर 3.5 mm का पोर्ट दिया रहता है तो और भी अच्छा रहता, तो मैं इसको लगा देता हूँ। लगाने का साथ साथ देखिए यहाँ पे मेरा पहले से 2 डाइट था, सी और डी। उसके बाद ये सी गेट शो कर रहा है, उसके बाद आपका ये माई पासपोर्ट भी शो कर रहा है, मतलब 2 TB 2 TB दोनों ही शो कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये पेन ड्राइव शो कर रहा है और यहाँ पे एक USB ड्राइव एच जो है आपका माइक्रो SD कार्ड, लेकिन यहाँ पे जो SD कार्ड है वो शो नहीं कर रहा है। अभी क्या है, मैं अगर SD कार्ड को निकल देता हूँ, माइक्रो SD कार्ड शो कर रहा है लेकिन मैं SD कार्ड शो नहीं कर रहा है। अगर मैं माइक्रो SD कार्ड को भी निकल देता हूँ, अभी देखिए माइक्रो SD कार्ड चला गया। अभी मैं SD कार्ड को लगाता हूँ, वो देखिए SD कार्ड भी आ चुका है, लेकिन बात यहाँ पे है कि SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड एट ए टाइम दोनों काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलिए अभी कोई फाइल इसमें ट्रांसफर करके देखते हैं इसका स्पीड कितना है। तो सबसे पहले मैं जो 112 MB का फाइल जो कॉपी किया है डी ड्राइव से, जो मेरा लैपटॉप में 2 ड्राइव है उस ड्राइव से कॉपी किया है। सबसे पहले मैं रिमूवेबल ड्राइव में इसको डाल के देखता हूँ। तो ये जिसका जो ट्रांसफर स्पीड है वो आपका 24.9 है। चलिए मैं अभी इसको इसी फाइल को इसी चलिए मैं इसी फोल्डर को अभी मैं हार्ड डिस्क में डाल के देखता हूँ। यहाँ पे 36.3 MB दिखा रहा है और मैं अभी पेन ड्राइव में डाल के देखता हूँ। पेन ड्राइव में तो 14.7 MBPS दिखा रहा है मैक्सिमम स्पीड। तो ये कभी कम स्पीड में ट्रांसफर होता है तो कभी ज़्यादा स्पीड में ट्रांसफर होता है। पेन ड्राइव में एक इशू आ रहा है और दूसरा इशू है कि इसमें SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड दोनों में से एक ही काम कर रहा है, एट ए टाइम दोनों नहीं काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे है कि दोनों हार्ड डिस्क जो 2 TB का है वो एट ए टाइम यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं हार्ड डिस्क से एक फाइल लेकर दूसरा हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करके देखता हूँ ट्रांसफर स्पीड कितना है। चलिए मैं टेस्ट करता हूँ, डाटा ट्रांसफर स्पीड देखता हूँ कितना है। डाटा ट्रांसफर स्पीड जो है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से दूसरे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मैं डाल रहा हूँ, 27 मैक्सिमम गया था 27.7 MBPS।
32 तक गया है, तो दोस्तों इसको खोल लेते हैं। ये थोड़ा गर्म हो जाता है और इसका जो बॉडी है वो आपका एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हल्का है तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, दोनों कार्ड में से एक ही कार्ड इसमें चलेगा, या तो एसडी कार्ड चलेगा या तो माइक्रो एसडी कार्ड चलेगा, या तो ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है या तो ये ऐसा ही बनाया गया है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।